जब उसकी तदफीन का वक्त आया तो मैंने और शहरयार ने उसे कब्र में उतारा। उसके मुर्दा बाजू का लम्स इस वक्त भी मेरी उंगलियों पे मौजूद है। मैंने उसे कत्ल नहीं किया, लेकिन क्या उसकी जान जाने की वजह मैं यानी अहमद जरिया नहीं था। वो मेरे इश्क में जाने कैसे आ गई। मुझे चाहती थी इस हद तक जिस हद तक ना अदीला ने चाहा, ना ही रक्षंदा ने, ना ही हुस्ना ने, ना ही ताबिंदा ने, ना ही जहारा, साजिदा और दर्जन। ये मोहब्बत नहीं, जुनून था। जुनून जिसका अंजाम मौत होता है। तुम उन दोनों को साथ क्यों लेकर आई थी? तुम्हें होशियार करने के लिए। किससे? वही जो आजकल बहुत मेहरबान हुए बैठे हैं तुम पर और तुम्हें मशहूर करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मुझे मशहूर नहीं, बदनाम करवा कर छोड़ेंगे वो लोग। और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग बहुत चालाक हो, लेकिन नहीं हुस्ना, बुराई का अंजाम बुराई होता है। क्या बुराई की है हमने और क्या बुराई कर रहे हैं? हम तो बस ये चाहते हैं कि पैनी साहिबा के कत्ल को जिस तरह से छुपाया जा रहा है वैसे दबाया ना जाए। क्या दबाया है? बताओ क्या दबाया है? कातिल पकड़ा गया और क्या करें? मतलब अंदर की कहानी खुल के बाहर आनी चाहिए। से तो झूठ मत बोलो हुस्ना, बंद करो ये झूठ बोलना। ये सब लाइक्स के लिए कर रही हो ना तुम, सारी ये जो कंट्रोवर्सी कर रही हो तुम। हेलो जी, जी जी पुलिस स्टेशन।